सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मुख्य मार्गों पर सुचारू यातायात को लेकर दिए गए सुझावों पर प्रशासन ने अमल करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को राजस्व यातायात पुलिस एवं नगर पालिका अमला यातायात को व्यवस्थित करने के लिए बाजार में निकला। श्रीकृष्ण टॉकीज, पोस्ट ऑफिस चौराहा, राधा वल्लभ सहित मुख्य बाजार में निकले अफसरों ने व्यापारियों को निर्धारित हद में रहकर कारोबार करने की हिदायत दी। प्रशासन के अधिकारियों ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यदि उनकी दुकानों के बाहर सामान पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। SDM ने बताया कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मुख्य बाजार की सड़कों पर दुकानदारों द्वारा सामान सड़क पर जमा कर व्यापार करने से यातायात व्यवस्था बिगड़ने का मुद्दा उठाया था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। वास्तविक रूप में क्या सड़क सुरक्षा सप्ताह जो के संबंध में मीटिंग हुई थी, जिसमें सांसद जी वगैरह सारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन उसमें इसी विषय को उठाया गया था कि राधा वल्लभ भी अपने शहर की जो मुख्य सड़कें हैं जिसमें लोग बाग अपने दुकानों के बाहर सामान रखते हैं, वो बेतरतीब तरीके से अपने गाड़ी मोटरसाइकिल रखते हैं। उसी संबंध में आज एक संक्षिप्त मीटिंग भी रखी थी व्यापारी संघ के लोगों, उन्हें सबको समझाया भी, दोबारा एक मीटिंग भी सोमवार को रखी जाएगी। पहले सबको चेतावनी दी जाएगी, अगर उसके बाद में नहीं मानते सख्ती से उन लोगों का सामान जब्त किया जाए ताकि शहर का यातायात सुचारू रूप से चले। सर, पिछले 10 वर्षों से इसी तरह से कार्रवाई, छोटे छोटे सामान उठा लाते हैं उसके बाद में सब कुछ यथावत हो जाता है, लेकिन हम देखे तो पिछले कई वर्षों से जो निर्माण भी बड़े भी हो रहे हैं वो कभी पार्किंग नहीं रखते, बाहर ऐसे भेजते हैं, लेकिन ना कभी प्रशासनिक स्तर पर उन पर कार्रवाई होती है ना वो कुछ समझते हैं चीज को। ये कहना आपका सही हो सकता है कि पूर्व में कुछ जो निर्माण हुए जिसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं, पर अभी जो नए निर्माण है उसमें वास्तव में बगैर पार्किंग की अनुमति नहीं देना चाहिए। पहले जरूर ऐसे चला होगा इस टाइप की मुहिम, और मेरा इसमें यही आग्रह सभी व्यापारी बंदियों से भी और अपने शहर के नागरिकों से भी कि वो लोग भी आगे बढ़ के इसमें सहयोग करें, प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपन अपने शहर को ठीक ढंग से रख पाएंगे और यातायात भी अपन व्यवस्थित कर सकेंगे। बस स्टैंड के पास में क्षेत्र देखे तो छोटी सी गली जो कि बस स्टैंड में सभी का आपका कहना सही है, पूरा शहर ही अभी बेतरतीब है, उसको आपको हमको मिल गई, सभी को नागरिकों का साथ लेके व्यापारियों का साथ लेके व्यवस्थित करना है। आज जो बैठक ली उसमें मूल उद्देश्य अतिक्रमण को लेकर रखा गया, किस तरह की चर्चा रही, व्यापारियों से स्वतः हटाने के कहा गया या कार्रवाई के निर्देश दिए गए? व्यापारी को यही सबसे पहले समझाइश दी गई कि आप लोग इस स्तर सहयोग करें और दोबारा फिर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, उसके बाद अगर नहीं समझते हैं तो फिर हम लोग सख्ती से कार्रवाई समझते। कितने दिन की ये? इसी मंडे को मीटिंग होगी, उसके बाद फिर हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।